नमस्कार, चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल आपको हमेशा ही रखता है अपडेट, इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या है। दोस्तों, पटना से खबर निकल कर आ रही है, राजद विधायक भोला यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तत्काल हस्तक्षेप कर शिक्षकों को हड़ताल समाप्त करानी चाहिए। इसी के साथ हड़ताली शिक्षकों को तत्काल वेतन देने की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे के अभाव में इन शिक्षकों के परिवार परेशान हैं, सरकार उनकी सुधि ले। वहीं सूबे के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रमोट किए जाएंगे। शिक्षा विभाग जल्द से ले सकता है बड़ा निर्णय। पहली से आठवीं तक के व नौवीं और ग्यारहवीं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की को अगली कक्षा में बिना परीक्षा प्रमोट किए जाने के आसार बढ़ गए हैं। CBSE द्वारा इस बाबत खुद से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी करने के बाद शिक्षा विभाग ने भी इस पर मंथन आरम्भ कर दिया है। संभव है जल्द ही इसको लेकर के निर्णय लिया जाएगा। 25 लाख छात्र छात्राओं के खाते में जल्द जाएगी राशि। विभिन्न योजनाओं के 1500 करोड़ भेजे जाएंगे खाते में। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 25 लाख छात्र छात्राओं को सरकार के विभिन्न योजनाओं की राशि जल्द ही उनके खाते में जाएगी। सरकारी योजनाओं का करीब 1500 करोड़ मेगा साफ्ट के जरिए एक क्लिक पर विद्यार्थियों के खाते में पहुंच जाएंगे। साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन मिलना है। 80 लाख विद्यार्थियों को मिल चुका है पैसा। बारहवीं की परीक्षा मई में हुई तो जून में रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य भी अब तक नहीं हुआ है शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं बोर्ड के बचे हुए विषयों की परीक्षा मई में आयोजित होती है तो जून में रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। 10वीं के सभी मुख्य विषय की परीक्षा हो चुकी है। शिक्षा सचिव अमित खरे ने यह जानकारी दी। परीक्षाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कही, CBSE ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन कार्य फिलहाल प्रारंभ नहीं हुआ है। कोरोना संकट खत्म होने के बाद मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होगा। वहीं बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने सरकार से हड़ताल समाप्त कराने की अपील की है। महासंघ के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर अरुण गौतम ने कहा कि 17 फरवरी से प्राथमिक एवं 25 फरवरी से माध्यमिक शिक्षकों का हड़ताल और संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक कर्मियों की हड़ताल जारी है। शिक्षकों के प्रति सरकार संवेदनहीन है। संवेदनहीनता किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कॉलेजों के 25,000 शिक्षक कर्मियों का 7 शैक्षणिक सत्रों का बकाया वेतन सहायक अनुदान राशि भी भुगतान जल्द किया जाए। वहीं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार गुरुवार को 46वें दिन भी जारी रहा। 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक तक के 4 लाख शिक्षक हड़ताल पर हैं। हड़ताली शिक्षकों ने कहा कि सभी बकाया वेतन मिलने पर अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। समिति के संयोजक बरेंद्र शर्मा ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार को अविलंब शिक्षकों से सभी बकाया वेतन का भुगतान करना चाहिए। शिक्षक नेताओं ने सरकार से मृतक शिक्षकों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए एवं नौकरी देने की मांग की। वहीं मांगों पर शिक्षकों ने मनाया वेदना दिवस। राज्य के 48 शिक्षकों ने गुरुवार को वेदना दिवस मनाया। सभी शिक्षकों ने अपने अपने घरों में अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा हवन नमाज अरदास के माध्यम से अपनी वेदना प्रकट की।
48 शिक्षकों ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने और उसकी मांगों को लेकर पूजा हवन किया जा रहा है। सरकार वार्ता करनी नहीं चाहती लेकिन षड्यंत्र रच रही है, हड़ताल समाप्त करना नहीं चाहती है। शिक्षक 45वें दिन से हड़ताल पर हैं लेकिन सरकार की तरफ से केवल बयानबाजी हो रही है, हड़ताल समाप्त करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। सरकार शिक्षक परिवार को कोरोना और भुखमरी के बीच बिस्तर छोड़ दिया है। 4 लाख से अधिक शिक्षकों और उसके वेतन पर आश्रितों पारिवारिक सदस्यों को प्रति सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी क्रम में बिहार के 48 शिक्षक परिवारों ने कोरोना महामारी व अपनी मांगों को लेकर वेदना प्रदर्शन किया। TET/ST/TU नियोजित शिक्षक संघ गोपुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी चौबे ने कहा कि सरकार को अपने कर्मियों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाना होगा, यह वक्त गंभीरतापूर्वक कदम उठाने का है। संगठन के प्रदेश सचिव साकिर इमाम, अमित कुमार, नाजिर हुसैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजीव पटेल ने कहा कि कोरोना से साझे तौर पर लड़कर जीता जा सकता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। खबरों में बने रहने के लिए चौपाल समाज से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। खबरों में बने रहने के लिए चौपाल समाज से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।